क्या करना है आपको, देख बैक साइड, ये बैक साइड क्या है, बिल्कुल लेवल क्या था, ये हमेशा याद रखना है कि जो हाइट छोटी होती है, जो रीडिंग्स छोटी होती है वो ऊंचा होता है, जो रीडिंग्स बड़ी होती है वो डाउन होता है, ये तो आपको पता होगा। तो आपको पता लगना है कि जो इतनी भी हाइट, ये आपको क्या देता है, एक रेंज देता है, एक रेंज देता है इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का रेंज देता है। तो 1.21 में से जब हम ये कटा देंगे तो ये वाला लेवल ये बच गया, तो हमें निकालना है ये लेवल इस इंस्ट्रूमेंट, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, फॉल हुआ ना, बिकॉज ये रेंज छोटी है, ये आपका टॉप है, और ये वाला कितना हुआ, इससे ये डाउन हो गया, तो इट्स मीन ये आपका फॉल हुआ। फॉल का मतलब होता है डाउन, राइज का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। तो जब हम 0.8, अब इस रीडिंग में से बड़ी रीडिंग में से छोटे रीडिंग घटाएंगे तो 1.210 में से 0.485 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 0.725। तो क्या हुआ, ये फॉल हुआ, तो ये रीडिंग क्या आई, इस लेवल से जो ये लेवल है इतना डाउन है, तो हम कहाँ लिखेंगे, फॉल के अंदर। तो फर्स्ट लेवल हमारे पास कहाँ था, बेंचमार्क के अंदर, तो सेकंड रीडिंग इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कहाँ पे आएगा, फॉल के अंदर। अब रीडिंग छोटी है, अब आपकी रीडिंग ये वाली है, अब रीडिंग सेकंड थर्ड ये रीडिंग है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इस लेवल से ये वाला जो लेवल है, अब ये लेवल कितना डिफरेंस है, डिफरेंस कौन सा निकालेंगे हम, ये वाला, इस अब ये वाला इससे नहीं निकलेगा, अब ये निकलेगा इससे, ये वाला लेवल निकलेगा, ठीक है, इस लेवल से, देखिए ये वाला लेवल है और ये लेवल। राइज फॉल मेथड ये निकालता है कि जो लेवल आपके बीच बीच में लेवल चलते रहते हैं, जो लेवल आपके बीच बीच में चलते रहते हैं तो उनका डिफरेंस निकलता है, क्लियर। अब आपका जो लेवल हो गया, इस लेवल से जो ये लेवल है, इन दोनों का लेवल हमें डिफरेंस करना है, ये वाला लेवल हो गया 1.21, इसका लेवल है 1.635, तो ये लेवल इसका ये आ गया, ठीक है, ये एंड ये, तो इन दोनों का जो गैप आएगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो गैप आएगा वो आपका इन दोनों का डिफरेंस आएगा, राइज है या फॉल, राइज है या फॉल, तो 1.21, तो इसमें से करेंगे 1.635, 1.2105, ठीक है, तो हम इसमें से घटा देते हैं 1.635 में से, ये 1.21 में से घटाते हैं तो 0.425, तो 0.425 इट्स मीन आपका क्या हुआ, ये फॉल हुआ है, इन दोनों के जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या हुआ, ये वाला फॉल हुआ। अब ये 1.635 ये क्या हुआ, छोटे रीडिंग है, ये रीडिंग क्या है, बड़ी, तो इट्स मीन ये क्या हुआ, इससे ये डाउन है। अगर आप लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग लेंगे तो ये आएगा ऊंचाई पे, लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग लेंगे ये आएगा नीचाई पे, तो इट्स मीन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा कहाँ पे, फॉल के अंदर, फॉल। अब ये रीडिंग देख लियो, ये दोनों रीडिंग और ये दोनों रीडिंग कहाँ पे हुई, ये रीडिंग है, ये वाला रीडिंग है एंड ये रीडिंग है, इन दोनों का जो ये वाला रीडिंग हो गई और ये रीडिंग हो गई, ये कहाँ पे हुई, लास्ट में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कहाँ पे आएगा, 0.35, इसमें से ये घटाएंगे, ये वाला ऊंचाई पे है, ये वाला डाउन पे है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आपका ये वाला होता है, तो इसमें से ये वाला घटाएंगे तो आपके पास आया, इन दोनों में से ये घटाते हैं तो ये वाला आता है 0.38, क्लियर। अब ये काम इतना ख़त्म हो गया, अब हम निकालते हैं इस वाले में से, अब इसमें से ये वाला रीडिंग घटाते हैं, इसमें से ये रीडिंग घटाते तो कहाँ पे आता है आपके पास लेवल, ये वाला, इसमें से ये रीडिंग घटाते हैं तो ये वाली आती है 0.21.57 में से ये वाला माइनस करते हैं तो ये आ जाता है, देखिए ये रीडिंग बड़ी है, और इस रीडिंग में से ये वाली रीडिंग घटाते हैं तो ये वाली रीडिंग छोटी है, ये वाली बड़ी है, इट्स मीन ये आपका इन दोनों में से ये वाला डाउन है, तो ये आपका डाउन हुआ कितना, 0.80, इस लेवल से ये वाला लेवल 0.80 डाउन है, इस लेवल से ये वाला लेवल, इन दोनों में से लेवल देखिए कितना है, ये वाला 0.52 डाउन है, ये रीडिंग बड़ी है, ये रीडिंग छोटी है, इसमें से ये वाला रीडिंग घटा देंगे तो ये आ जाता है, इतना काम खत्म हो गया है। अब ले लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, अब देखें ये रीडिंग बड़ी है, ये रीडिंग छोटी है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये डाउन पे है, ये वाला आपका डाउन पे है, ये वाला ऊंचाई पे हुआ, तो इट्स मीन इसमें क्या हुआ डिफरेंस, फॉल, ये आपका क्या हुआ राइज, ये वाला राइज हुआ है, आपने लेवल मशीन सेट की, ठीक है, जो रीडिंग आई थी 1.735 ये वाला यहाँ पे हुआ था 1. यहाँ पे जैसे रेंज करते हैं, ऐसे रेंज करते हैं सीधी, तो क्या इतना हुआ 1.735, और यहाँ पे रीडिंग ली कितनी आपने 635, तो 635, तो इट्स मीन ये आपका छोटी रीडिंग है, ये आपका क्या हुआ राइज हुआ, इस लेवल से ये आपका राइज हुआ, कितना राइज हुआ, इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये आपका पता चल जाएगा कितना राइज हुआ है, ये घटाते हैं तो 1.10, क्लियर, ठीक है। अब इसमें से ये वाला मैच का, ये आपकी छोटी रीडिंग है, ये आपकी बड़ी रीडिंग है, इसका मतलब ये डाउन है, ये आपका डाउन है, तो इसका मतलब ये फॉल हुआ,
इतना काम खत्म करने के बाद इतना काम राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल, ये आपका क्लियर समझ में हो गया ना, ये आपका समझ में आ गया। इतना काम खत्म होने के बाद अब इसको भूल जाइए, अब आरएल को याद रखिए। अब आरएल को सिंपल क्या करना है आपको, 100 में से ये घटा देंगे ये आ जाता है, इसमें से ये घटा देंगे ये आ जाता है, देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, 98.10 में से ये वाला रीडिंग घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से ये वाला रीडिंग घटाएंगे तो ये आएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये आरएल आ जाएगा, रिड्यूस लेवल आ जाएगा। इसमें से ये वाला रीडिंग घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ये वाला रीडिंग घटाएंगे तो ये आ जाता है, 95.565 में से ये रीडिंग घटाते हैं तो आपके पास ये आ जाती है, 94.785 में से ये रीडिंग घटाएंगे तो आपके पास 93.985 आ जाता है, 93.985 में से ये वाले रीडिंग घटाते हैं तो 93.8465 आ जाता है, 93.465। देखिए ये आपका डाउन हुआ, अब हमें क्या करना है, आपको प्लस करना है। प्लस क्यों करेंगे, बिकॉज आपका ये फॉल, ये आपका क्या हुआ, राइज हो गया, ऊंचाई पर हो गया है। जब भी लेवल आप एक ट्रांसफर लेते चले जाते हैं, अगर आपका पॉइंट डाउन है तो वो आपका माइनस में चला जाता है, आपका ऊंचा चला जाता है वो आपका प्लस में हो जाता है। देखिए आर एल का हुआ 93.465 हुआ, तो इट्स मीन 1.10 आपका क्या हुआ, राइज हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो आपके पास रीडिंग आएगी 94.565। ये हमेशा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है सभी को, यहाँ पे तो आसानी कर लेंगे, माइनस करते चले जाएंगे माइनस करते चले जाएंगे, लेवल आ जाएगा। अब 94.565 में ये वाला चीज़ करेंगे तो आपका क्या, ठीक है, तो 94. इसमें से ये आपका क्या हुआ, प्लस में हुआ, बिकॉज ये आपका राइज था। इसमें से ये वाले रीडिंग घटाते तो आपके पास आता है 93, इसमें से ये घटाते हैं तो आपके पास 93.595, क्लियर। तो आपके पास क्या हुआ, सभी का आरएल निकल गया। देखिए मैं इसी मेथड का नेक्स्ट जे के, अगर आप यही चीज़ अगर आप देखिए राइज एंड फॉल को भूल जाते हैं, आपने जो ये लेवल निकाला था लाइन ऑफ कोलिमेशन से निकाला था, जैसे आपका यहाँ पे निकाल लेते हैं HOI, यहाँ पे रीडिंग थी आपकी HOI, 100 में से ये वाला प्लस करते हैं तो आपके पास आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप इसमें से घटाते हैं तो आपके पास ये आता है, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये रीडिंग आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ले लेंगे, कोलिमेशन मेथड से निकाल लेते हैं, तो आपको आसानी से रहेगी ये रीडिंग आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, अगर वो आपको कोलिमेशन मेथड आता है तो उससे ले लीजिए। अब आपका काम होता है राइज एंड फॉल का, ये आपका टेबल बनाइए, इसमें से 99 में से ये वाला माइनस करते हैं तो फॉल में आता है, ठीक है। जब फॉल का मतलब आपको डाउन हो गया है, राइज का मतलब ऊंचा हो गया है, तो जो भी रीडिंग आपकी अगर से ये आपकी बड़ी है, ये वाली छोटी है तो डाउन हो गया, ये बड़ी है या छोटी है तो डाउन हो गया, ठीक है, ये आपका डाउन हो गया है। इसी तरह आपका अगर आप ये कोलिमेशन मेथड से ये वाली टेबल निकाल लेते हैं तो ये आपका राइज एंड फॉल मेथड निकालना आसान है। तो दोनों मेथड मैंने इसलिए बताए थे, कोलिमेशन मेथड इसलिए बताया था ताकि आपको राइज एंड फॉल मेथड निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चेकआउट, चेकआउट कैसे करना है आपको। सबसे पहले बैक साइड समेशन, बैक साइड कितना था, 2.87, फोर साइड क्या था, फोर साइड 9.275, तो 9.275 इसको सम कर लेना है, टोटल कर लेना है, ठीक है। तो राइज माइनस फॉल, सम क्या करना आपको राइज का, तो राइज कितना था आपके पास रीडिंग्स 1.10, फॉल की रीडिंग्स की थी 7.505, तो फॉल रीडिंग 7.505, क्लियर। ये दोनों इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये आ जाता है, लास्ट रीडिंग क्या थी 93.595, फर्स्ट आरएल 100, तो इसमें से ये वाला माइनस करते हैं तो -6.405 आता है। तो इट्स मीन देखिए तीनों मेथड आपने चेक कर लिए, बैक साइड फोर साइड राइज एंड फॉल लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, इन तीनों को जब हम चेक करते हैं तो -6.405, तो इट्स मीन आपका जो लेवल है टेबल है ये आपकी चेक हो चुकी है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो बस यही बेसिक्स था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।